प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। आप जो अपने घर से घर में अपने माँ बाप आपको कुछ चीजें खरीदने के लिए भेजते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? दुकान पर जाते हैं ना। दुकान से जाकर क्या करते हैं? चीजें खरीदते हैं। पर तुम्हें दुकान में जो आप पहले ही उन चीजों को खरीदा है उसका कीमत उनके तुम्हें मालूम हो जाता है, पर वहां दुकान पर जाते तो वो दुकान में वह चीज जो पूछते हैं आप चीज की जो दाम है या कीमत है वे ज्यादा कहते हैं। तो आप क्या करते हैं? और एक दुकान के ओर जाते हैं, है ना। और एक दुकान के ओर जाते हैं तो एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाने से तुम्हें दो दो दुकानों में पूछते तो आप किस दुकान में जो कमी रहती है उनका दाम वहां पर आप खरीदते हैं ना, वहां पर आप क्या करते हैं? खरीदते हैं ना। इसी तरह आप पढ़ाई के लिए ये तुम्हें नवी कक्षा के पार्ट है नफे के चक्कर में, नफे के चक्कर में जो लाभ के जो रास्ता ढूंढते जाना, इसका और एक अर्थ होता है लाभ के रास्ता को ढूंढते ही जाना, लाभ जो उठाने के लिए ही चक्कर लगाना, इसका अर्थ होता है। इसलिए छात्र आपको पढ़ाई के लिए ये पाठ है नफे के चक्कर में। देखिए आपके पास जो किताब है आप किताब उठाइए, उठाकर नफे के चक्कर में पाठ जो निकालिए, निकाल कर पाठ के ओर आप ध्यान दीजिए। आप सबको जो पाठ मिला है ना, निकाले है ना आपने सबने। देखिए नफे के चक्कर में लाभ के पीछे भागना है। हम लाभ जो लाभ क्या का होता है वहाँ के पीछे हमें भागते हैं ना, इसी तरह लाभ के चक्कर में इसका अर्थ होता है। छात्र देखिए पहले जो आपको पाठ में आने वाले शब्दों को अपने आप समझ लेना है तो आप जरा ये शब्दार्थ के शब्द पर जो लिखे हैं ये शब्दार्थ की ओर जरा ध्यान दीजिए। नफे के चक्कर लाभ के पीछे भागना, इसका अर्थ होता है लाभ के पीछे भागना। उसी तरह चट्टी सीधी पतली लंबी या लाठी भी कहते हैं। लाठी जो बूढ़े लोग ने अपने चलने के लिए बैलों से चलने के लिए नहीं होती तो आप क्या करते हैं? लाठी ही टेकते टेकते ही यहाँ जगह से दूसरी जगह चलते हैं ना, उसी तरह लाठी होती है। दाम तो कीमत मौल्य भी कहते हैं, कितना मौल्य कितना कीमत इस तरह की कहते हैं। शायद संभवतः संभव संभवतः कितना शायद। और बंदरगाह समुद्र का तट जहाँ जहाज रुकते हैं या टहरते हैं वो जगह को हमें क्या कहते हैं? बंदरगाह का नाम कहते हैं। जो समुद्र में आने वाले समुद्र में जो चलने वाले जो होते हैं ना जहाज, एक जगह से दूसरी जगह को जो चीजों को जो देने के लिए या उनको यहाँ से वहाँ लौटाने के लिए अपने बंदर से अपने जहाजों को इस्तेमाल करते हैं ना, वे जहाज रखने वाले ये जो बंदर होता है उनको बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं।
पैर या पाव भी कह सकते हैं। द शक्ति दाम लगाकर काम करो, इस तरह कहते हैं ना वे, दाम लगाकर काम करो ना, अपने शक्ति को लगाकर काम करो, दाम का अर्थ होता है शक्ति। उसी तरह घसीटना, घसीटना जमीन से, जमीन से रगड़ते हुए अथवा खींचना, जमीन पर क्या करते हुए खींचते हुए, जमीन पर जमी होती है उस पर वस्तुओं को खींच करके अपने खींच कर ले जाते हैं ना, इसी को कहते हैं घिसटना, इसका अर्थ होता है घिसटना। ये देखिए शॉर्टकट पर लिखे हुए अर्थ, और आपके पाठ में आने वाले जो कुछ शब्दों को भी अर्थ हम बता जाते हैं, इसलिए आप पाठ को पहले मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बाद में उसके अर्थ को बता जाती हूँ, आप अच्छी तरह सुन लीजिए। जो इस पाठ में आप क्या समझ सकते हैं तुम्हें, देखिए आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करते हैं, आदमी जो अपनी मेहनत से क्या क्या प्राप्त करते हैं वही उसके हाथ लगता है, से हाथ से ही लगने पर ही अपने परिश्रम से भी फल मिलता है ना, उसी तरह बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाते हैं। अबे बिना परिश्रम करके ही अपने वो वस्तु अपने पास आ जाना तो कैसे आ जाता है, उन वस्तुओं को पाने के लिए हम क्या करना है, परिश्रम करना है, परिश्रम से फल जो पाते हैं वो बहुत अच्छा होता है, हमें संतुष्ट मिलती है, संतोष मिलती है उसमें, हो ना। दूसरों को वस्तु, दूसरे के परिश्रम के जो वस्तु को लाकर, दूसरे के परिश्रम के लाभ को उठाकर हमें जो इस्तेमाल करते तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा लगता है क्या, अपनी जो प्रश्नों का उत्तर आपका जो नोटबुक पे आप ही लिख कर जो तैयार किए तो आपको होती है, दूसरों को दूसरों से लिखा देंगे तो आप उसमें क्या है, कैसा है, होता है उसका अर्थ क्या होता है, आपको समझ में आता है क्या, नहीं। आप जो उस प्रश्नों को उत्तर को ढूंढ कर लिखे तो आप पूरा ही उसका अर्थ समझते हो, और कुछ भी दिन उस प्रश्न जो पूछे तो तुम्हारे पास उसका उत्तर रहता है, आप अच्छी तरह उत्तर तुम लिखते हैं, ऐसी तरह परिश्रम का फल भी ऐसा होता है। देखिए ऐसा हम दूसरों के परिश्रम का फल पाने के लिए नहीं चाहना चाहिए, उसे कहलाते हैं ललच, कहलाती है उसे ललच भी लगती है उसे। इस कहानी में नफे के चक्कर में पेड़ एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोदित रूप से वर्णन किया है। एक इस कहानी में आप क्या सीखते हैं, नफे के चक्कर में लाभ के पीछे भागते हैं वे, अंत में क्या होता है उनको, अंत में वे उनको क्या होता है, इस मनोनीत इसका मनो विनोद रूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है, इस पाठ में आपको मिल जाती है छात्र। देखिए पाठ को एक और ध्यान दीजिए, मैं पढ़ती हूँ बाद में उसका अर्थ बताती हूँ, आप ध्यान दीजिए पाठ के ऊपर। एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ, उसके बारे में सोचते ही बाबू भाई ने अपने ओटों को चाट कर वहां क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेगा,
जूते पहनकर चट्टी लग चट्टी टेक कर बाबू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। देखते पूछते वे नारियल नारियलों के पास पहुंचे। देखते पूछते वे नारियल के पास पहुंचे। ये नारियल वाले नारियल कितने में दोगे, बाबू भाई ने पूछा। नारियल ने नारियल वाला ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बाबू भाई ने आगे फैला कर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये दे दे दे, 1 रुपये दे दो। नारियल वाला ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम ले लो, यहाँ छोड़ दो, ले लो तो ले लो, नहीं तो यहाँ छोड़ दो। ठीक है बाबू भाई बड़बड़ाए गए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा। नारियल वाला ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाएगा, वहाँ तुम्हें शायद नारियल, वहाँ मंडी है, यहाँ से दूर से मंडी है, वहाँ से तुम्हें नारियल मिल जाएगा। बाबू भाई उसी तरह चल पड़े। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारी उनकी ऊंची ऊंची आवाज गूंज रही थी। नारियल वालों को देखकर बाबू भाई ने पूछा, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे। सिर्फ 1 रुपये काका, नारियल वाला ने जवाब दिया। जो चाहे लो ले जाओ जल्दी। बाबू भाई ने कहा, यहाँ क्या है, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपये मांग रहे हो। 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम्हें यहाँ वो पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाला ने झट बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपये या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, वहाँ हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बाबू भाई अपनी लाठी से टेक लगाकर उन्हें सोच लगे हैं, आखिर 50 पैसे तो पूरा 50 पैसा है, वैसी भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए बाबू भाई ने चलने लगे। सागर के किनारे एक नारियल वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे, बाबू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, यहाँ कोई पूछने वाले बात है, केवल 50 पैसा। नारियल वाले ने कहा, 50 पैसा। बाबू भाई हक्के बुके हो गए, इतनी दूर से पैदा आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे, मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यहाँ लो रख लो। ऐसा कहते हुए बाबू भाई झांक कर जो झोंक कर नारियल उठाने ही वाले थे।
इतना ही बस है। बाद दूसरी जो अवधियों में हमें इसके बारे में जानते हैं छात्र, आप इसका अर्थ क्या होता है, पापा भाई कौन है, ये बाजार क्यों गए, बाजार वाले क्या जवाब दिए, वे क्यों कम दाम में पूछते पूछते गए, इसका क्या होता है इसका अर्थ, ये सब के बारे में आप समझते ध्यान से वाक्य के ओर दीजिए, अर्थ के ओर दीजिए, ध्यान से सुनिए आप, पूरा ही पूरा मन पाठ पर लगा लीजिए। एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ, आप भी कुछ खाने का जो इच्छा होती है ना, मन होती है ना आपको भी, आपके माँ के पास आप कहते हैं मामा आज ऐसा मैं इस चीजों को खाना है, आप तैयार करो, मुझे बहुत जो बहुत खाने का मन हो रहा है इस चीजों को, इस तरह जो आप कहते हैं ना उसी तरह आप बाबू भाई को नारियल, जो ये नारियल खाने का उनका बहुत सारा मन हुआ और उसके बारे में सोचते हुए, नारियल का स्वाद के बारे में सोचते हुए बाबू भाई ने आपके होठों के चटाकर अपने को नारियल जो उनका पानी पीते तो नारियल का पानी पीते तो कितना अपना जो शरीर वो कितना ठंडक हो जाता है, अपना मस्तिष्क कितना जो पुष्ट हो जाता है और कितना ही मीठा सा होता है उसका स्वाद, वे पीने में बहुत अच्छा लगता है, कितना ही अच्छा रहता है उन्हें, इस तरह उनके स्वाद के बारे में मैसेज करके वे क्या कर रहे हैं, अपने होठों को चाट रहे हैं, कितना अच्छा होता है उनका इस तरह करके चाट रहे हैं, वहाँ क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा, नारियल जो पीते ही कितना ही क्या हो जाता है उन्हें, मीठा मीठा का स्वाद होगा, उनका स्वाद बहुत मीठा रहता है, ये नारियल का जो स्वाद के बारे में सोचते ही उन्हें क्या कर रहे थे, अपने मन में ही बहुत ही आशा उमड़ आई उनको, बहुत ही आशा ही उमड़ आई उनको, लेकिन ये छोटी सी समस्या थी, उनको नारियल खाने का मन हो रहा है पर ये छोटी सी समस्या थी, क्या है वो समस्या, आप जो पूछते हैं तुम्हारे घरों में जो वे चीज आपके माँ के सामने कहते हैं इस चीजों को बनाने के लिए रसोई घर में, वो जो वो खाना पकाने के लिए तुम्हारे घर में वे पकाने का जो चीज नहीं रहती तो आप कैसे करते, क्या करते, आप दुकान जाते हैं ना, इसी तरह पापा भाई ने भी एक समस्या थी, क्या समस्या, जो तुरंत ही उन्हें नारियल को खाने का मन हुआ है पर घर में एक नारियल भी नहीं था, घर में एक नारियल भी नहीं था, उनकी समस्या यही थी, नारियल नहीं घर में एक नारियल भी नहीं थी, समस्या थी घर में तो एक भी नारियल नहीं था, ओह जो ढूंढता है घर में एक नारियल भी नहीं दिखाई देती है, ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, जो बाबू भाई ने सोचता है घर में नारियल नहीं है, मुझे बहुत मन लग रहा है नारियल जो खाने का पीने का, इसलिए मैं आपका कहाँ जाना है, बाजार जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बाजार जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, कौन बाबू भाई ने बाजार जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, बाजार जाने अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, नारियल खाना तो आप माँ तुम्हें आपको इच्छुक है वो रसोई घर में रसोई पकाना तो आप क्या करना चाहिए, दुकान जाकर उस चीजों को खरीद लाकर देना चाहिए ना, उसी तरह का बाबू भाई को क्या हो गया, वो बाजार जाना पड़ेगा इस तरह सोचा है, और पैसे भी खर्च करने पड़ेगा, वो बाजार जाना पड़ेगा, मेरे जेब से जो क्या होती है मेरे वैसे
खर्च हो जाती है इस तरह हमें सोच का खर्चा। जूते पहन कर आपके चप्पले जो कहते हैं ना, चप्पले भी कहते हैं, जूते पहन करके क्या करे अपने चट्टी उठा कर अपनी जो लाठी होती है ना वे उठा कर क्या करने लगे वो बहने निकल पड़े इसकी ओर बाजार की ओर निकल पड़े। जो नारियल बेचने वाले बाजार की ओर वे क्या पड़े अपने घर से बाहर निकलने पड़े चलने पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लग रहे थे। बाजार में लोग जो क्या कर रहे थे अपने अपने काम में उन्हें लग रहे थे। अब बाजार में लोग क्या करते हैं अपने अपने काम जो करते रहते हैं और जो कौन सी चीज जो होती है वो क्या करते हैं उन्हें बेचते ही बुलाते हैं हमारे पास आइए चीज बहुत ही फ्रेश माल है यहाँ खरीद लीजिए यहाँ पर आइए इस तरह की जो होती है ना बाजार की जो बाजार की दृश्य आपको मालूम है ना इसलिए लोग क्या कर रहे थे। लेकिन बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे अपने अपने कामों में उन्हें लगे थे। देखते पूछते वे नारियल वाला के पास पहुंच गए। बाजार में उन्हें देखते हुए नारियल कहाँ मिलता है नारियल कहाँ मिलता है यहाँ से इस तरह पूछते पूछते उन्हें क्या करके नारियल वाला के पास पहुंच गए। कौन पहुंच गए बाबू भाई ने पहुंच गए पहुंच जाकर उनके पास चले नारियल के सामने नारियल बेचने वाले के सामने जो कन्नड़ में कहते हैं नारियल एड़ेलू कहते हैं ना उसे उनके पास चले गए। जाकर उन्हें पूछे नारियल हे नारियल वाले आप जो कहते हैं ना किस बेचते हैं मिर्ची बेचते हैं टमाटर बेचते हैं तो जो उन्हें क्या कहते हैं और मिर्ची बेचने वाले कितने किलो कितना रुपए है मिर्ची इस तरह आप पूछते हैं ना इसी तरह नारियल वाला को बाबू भाई ने पूछते हैं हे नारियल वाले नारियल कितने में दोगे एक नारियल कितने में दोगे इस तरह बाबू भाई ने वो नारियल वाला को पूछता है। आप समझ में आ रहा है ना सबको इसका अर्थ देखिए आगे चलिए। नारियल वाला ने कहा इस बात का जवाब जो नारियल वाला ने कहा है देखिए छात्र बस 2 रुपए काका एक नारियल का कीमत है दाम है कितने बस 2 रुपए का एक नारियल का दाम है कितना 2 रुपए का है नारियल बस 2 रुपए का काका। बाबू भाई ने आंखें फाड़ कर कहा बाबू भाई ने आंखें फाड़ कर हाँ अपने आंखें जो फाड़ना था आंखें जो क्या करना बड़ा करना था आंखें फाड़ कर उन्होंने कहा बहुत ज्यादा है ओ 2 रुपए बहुत ज्यादा हो गया नहीं नहीं 2 रुपए बहुत ज्यादा 1 रुपए में दे दो 2 रुपए बहुत ज्यादा हो गया है आप क्या कीजिए 1 रुपए में दे दो नारियल 1 रुपए में दे दो। नारियल वाला ने कहा नारियल वाला ने क्या करा नारियल वाला ने कहा ना जी ना ना जी ना ना नहीं देता हूँ नहीं आता है नहीं आता है आपको कहते हैं ना बाजार में ना आप कमी दाम में पूछते हैं तो आपको क्या कहते नहीं 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 आता जो खरीदी तो खरीद लीजिए नहीं तो आगे जाइए इस तरह कहते हैं ना इसलिए उन्होंने भी क्या किया नहीं जी नहीं 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 जी नहीं नहीं आता 2 रुपये है हमारा जो रेट है वे 2 रुपये है ले लो या छोड़ दो आप ले तो 2 रुपये देकर एक नारियल ले जाओ ले ले नहीं तो हाथ में रहने वाले नारियल को वहां पर छोड़ दीजिए इस तरह मैंने कहा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है चल ले तुम्हारा नारियल इसको चाहिए ठीक है छोड़ देता हूँ इस तरह का बाबू भाई बड़बड़ाए गए इनका ही दुकान है दूसरों का दुकान नहीं है मैं दूसरों की दुकान के ऊपर जाऊंगा क्या कि
किस बात करता है तुम्हें, इस तरह का बड़बड़ाते हुए उन्हें क्या करा। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ एक रुपए में कहाँ मिलेगा। अच्छा बताओ तुमके पास तो एक रुपए के नारियल नहीं है ना, किसके पास मिलेगा एक रुपए के नारियल बताओ। इस तरह पापा भाई ने क्या करा, किया नारियल वालों के पूछा। अच्छा तो बताओ एक रुपए में कहाँ मिलेगा, एक रुपए में तुम्हें कहाँ मिलेगा। नारियल वाला ने कहा, नारियल वाला ने कहता है यह तो थोड़ी दूर जो मंडी है, यहाँ से थोड़ी दूर में एक मंडी होती है जो बहुत सारे नारियल होने वाले जो को नारियल वाले वाले जगह को मंडी कहते हैं। हमें एक जो मंडी होती है यहाँ से दूर से एक मंडी होती है वहाँ शायद जो मंडी है शायद वो मंडी पर तुम्हें मिल जाएगा, संभावनीय तुम्हें वहाँ मंडी पर जाए तो एक रुपए में तुम्हें नारियल मिल जाएगा। इस तरह से नारियल वाला ने बाबू भाई को कहकर भेजा। देखिए बाबू भाई ने आगे कहा जाता है, देखिए और आगे जाकर मंडी में बाबू भाई ने इस तरह की होता है उनकी वार्तालाप मंडी वालों के साथ। देखिए बाबू भाई उस तरफ चलने पड़े जो मंडी का इशारा दिखाकर जो कहा है नारियल वाले ने, वहां पर बाबू भाई जाकर मंडी से पास पहुंचे। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, बहुत सारे कोलाहल, बेचने वाला खरीदने वाला और उन्हें ला कर डालने वाला, ये सब कोलाहल हो रहा था मंडी में। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज गूंज रही थी, व्यापारियों ने ऊंची ऊंची आवाज में बहुत जोर से आवाज जो होती है उन्हें ऊंची आवाज करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में उन्हें व्यापारियों ने क्या कर रहे थे, अपनी आवाज गूंज रही थी। ए इतना में लो, इतना हो नहीं, इस तरह कम होती है, ज्यादा होती है, इस तरह की कोलाहल वहां पर हो रही थी। नारियल वाला को देखकर बाबू भाई ने पूछा, एक नारियल वाला के पास जाकर मंडी में क्या करा, क्या किया बाबू भाई ने पूछा। अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे। अरे भाई मंडी वाला के पास जाकर ना जो बाबू भाई ने पूछा, एक भाई जो एक नारियल है नारियल कितने में दोगे, इस तरह बात पूछे तो, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे। इसका जवाब जो देता है जो मंडी में रहने वाला नारियल वाला, सिर्फ एक रुपए का था, एक नारियल एक रुपए, सिर्फ एक रुपए, एक रुपए में सिर्फ एक रुपए है, इस तरह एक रुपए है काका। नारियल ने, नारियल वाला ने जवाब दिया, नारियल वाला इस तरह जवाब दिया, जो चाहे ले जाओ जल्दी, जो चाहिए जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। मंडी में जो होती है बहुत सारे खरीदते हैं लोग, एक दो नहीं खरीदते हैं ना, इसलिए एक सिर्फ एक रुपए के एक जो ले जाओ खरीदो, जल्दी खरीद लो ले जाओ, इस तरह जो नारियल वाला ने कहा था। बाबू भाई ने कहा, बाबू भाई क्या कहता है देखिए, बाबू भाई ने कहा या क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा एक रुपये मांग रहे हो। मैं इतनी दूर से आया हूँ आपके मंडी के पास में खरीदने के लिए, तुम मेरे पास एक रुपये मांग रहे। 50 पैसे काफ़ी है, इसका दाम जो है 50 पैसे है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम्हें यहाँ लो पकड़ो 50 पैसे। देखिए एक नारियल उठाता हूँ, ये नारियल का कीमत 50 पैसे है, मैं इतनी दूर से तुम्हारे पास आया हूँ इसलिए एक नारियल उठाता हूँ ले लो। तुम्हारे जो मंडी वाला को नारियल वाला के हाथ में
50 पैसे रखने के लिए पाव भाई जाता है। 50 पैसे देने के लिए वे जाता है। नारियल वाला ने झट बाबू भाई के हाथों से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, ये 50 पैसे देने के लिए वे चले हैं। बाबू भाई ने इसको देखते ही 50 पैसे उनके नहीं मांगे, मांगने के बदले में पाव भाई के हाथ में रहने वाले नारियल को झट से जोर से उन्हें निकाल, जो कोस लिया है उनसे, छीन लिया है उनसे, छीन लेकर उन्हें क्या किया, बाहर रख कर माफ करो, आप माफ कीजिए, क्षमा करो, हमारे पास 50 पैसे के नारियल नहीं मिलता है, हमारे पास रहता है 1 रुपए का एक नारियल, 1 रुपए का 1 रुपए या फिर कुछ नहीं, 1 रुपए या फिर कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन बाबू भाई का निराश चेहरा देखकर बाबू भाई को बहुत निराश होता है। वहाँ पर पूछता है 1 रुपए को नहीं देता है, यहाँ पर पूछता है 50 पैसे को नहीं देता है, उनका चेहरा जो मुख क्या होता है, निराश हो जाता है। निराश मुख को, निराश चेहरा को देखकर जो नारियल वाला ने कहता है, देखिए तुम्हें 50 पैसे में नारियल चाहिए तो यहाँ से दूर, थोड़ा ही दूर पर क्या है, एक बंदरगाह है, वो बंदरगाह, बंदरगाह पर चले जाओ, वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। यहाँ से बंदरगाह है दूरी पर, वे बंदरगाह के पास आप चलिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 50 पैसे में मिल जाएगा। बंदरगाह जो श्रावण पर उसका अर्थ लिखा है, जो जहाज आकर या टहरती है उसको हम क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं ना, बंदरगाह पर जाओ, बंदरगाह है वहाँ पर, वहाँ पर जाओ तो 50 पैसे में क्या मिल जाएगा, एक नारियल मिल जाएगा, 50 पैसे में नारियल मिल जाएगा। इस तरह ने नारियल वाला ने बाबू भाई को बंदरगाह की ओर भेजा है। बाबू भाई अपनी छड़ी से, टेक लगाकर सोचने लगे, अपनी छड़ी से, अपने हाथ में जो छड़ी है, टेकते टेकते चलने की, जो अपने छड़ी को लगाते हुए, जमीन पर लगाते हुए आप सोच रहे हैं, आखिर 50 पैसे तो 50 पैसे, जो 1 रुपए देकर यहाँ ये नारियल ले जाऊं तो यहाँ से, देखिए जो सोचा है बाबू भाई ने, जो मैं 1 रुपए की जो खरीद लिया तो इस यहीं से दूर जाऊं तो 50 पैसे बच जाएगा। इस तरह सोच कर उन्हें क्या किया, अपनी लाठी को टेक कर सोच रहा है, आखिर 50 पैसे तो पूरा ही 50 पैसे है, वैसे भी मेरी टांग में अभी भी दम है, मेरी टांग में अभी भी दम है, शक्ति है मेरे टांग में, यहाँ से बंदरगाह तक चल कर जाऊंगा। इस तरह आपने सोचा, पैरों को घिसटते हुए बाबू भाई ने चलने लगे, पैरों को घिसटते हुए, अपने पैरों को खींचते हुए, लाठी को टेकते हुए बाबू भाई ने बंदरगाह के ऊपर चल गए, बंदरगाह के ऊपर चल पड़े। देखिए पैरों को घिसटते हुए बाबू भाई चलने लगे, सागर के किनारे एक नाव वाले बैठा था, सागर के किनारे एक नाव चलाने वाला, जो नदियों में नाव चलाते हैं ना, नदियों में नाव वाले ने बैठा है, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे, जो नदी के किनारे में नाव चलाने वाला, उसके सामने 2-4 नारियल को उन्हें रखकर वहां पर उनके सामने पड़ा था।